और चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का डर क्यों सताने लगा है अचानक चीन को। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक, वही जिससे पाकिस्तान काफी ज्यादा खौफ में आ गया था और अब भी याद करके वो खौफ में चला जाता है। लेकिन अब बारी है चीन की। मन की बात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा की, उससे चीन बेहद खौफ में चला गया। जी हां, और सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इसका जिक्र उसी अंदाज में किया है। चलिए ये खास रिपोर्ट देखिए। पीएम की मन की बात से दहशत में ड्रैगन। 4 साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस, शौर्य और निर्भीकता को देखा। अचानक सर्जिकल स्ट्राइक के जिक्र ने चौंकाया। ग्लोबल टाइम्स में दिखा जिनपिंग का डर। डरे ड्रैगन की जुबां पर फिर आई गीदड़ भभकी। एलएसी पर ड्रैगन की साजिश वाली घेराबंदी को हिंदुस्तान जिस तरह लगातार आक्रामक होकर नाकाम कर रहा है, उसने ड्रैगन के दिल में डर और बौखलाहट दोनों बढ़ा दिया है। चीन अपने दिमाग में साजिश की जो भी खिचड़ी पकाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान उसका पुख्ता इलाज पहले से ही कर देता है। चुमार और डेमचोक में भीष्म टैंकों की तैनाती कर हिंदुस्तान ने चीन की सर्दियों की साजिश को पहले ही पस्त कर दिया है। अब पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात ने चीनी खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है। हिंदुस्तान की जनता से 69वीं बार मन की बात कहने पीएम मोदी आए तो चीन भी कान लगाकर उन्हें सुन रहा था। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। पीएम मोदी ने बात किसानों से शुरू की और आजादी के मतवाले भगत सिंह से लेकर हिंदुस्तान के समृद्ध कथा साहित्य के खजाने को भी याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। लेकिन इन सब के बीच वो ऐसी बात बोल गए जिसने चीन के रणनीतिकारों को चौंका दिया। पीएम मोदी ने किसान और हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा के बीच अचानक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किए गए सर्जिकल स्ट्राइक की बात छेड़ दी। याद दिलाया कि हिंदुस्तान के जांबाज हर कीमत पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कमर कसे रहते हैं। 4 साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस, शौर्य और निर्भीकता को देखा था। हमारे बहादुर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पर भारत माँ के गौरव और सम्मान की रक्षा करना। उन्होंने अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की, वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और हम सब ने देखा कि किस प्रकार वे विजयी होकर के सामने आए, भारत माता का गौरव बढ़ाया। इसी की बात सवाल उठ गया कि एलएसी पर जारी तनातनी के बीच पीएम मोदी कहीं किसी खास इरादे से सर्जिकल स्ट्राइक को तो याद नहीं कर रहे। एलएसी पर चीनी सेना की घुसपैठ रोकने के लिए पीएम मोदी भारतीय सेना को जरूरत पड़ने पर गोली चलाने की छूट पहले ही दे चुके हैं।
ऐसे में सवाल ये था कि पीएम मोदी ने अब चीनी सैनिकों को उनकी नापाक हरकत पर सबक सिखाने के लिए क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक का भी ऑर्डर दे दिया है। हिंदुस्तान के पास ताकत है, क्षमता है, दम है और पॉलिटिकल डिसाइसिवनेस और लीडरशिप जो है, अगर आवश्यकता पड़े तो उसके लिए जरूर इजाजत देगी। लेकिन हिंदुस्तान जो है कभी भी पहल नहीं करेगा जब तक चीन की कोई कार्रवाई उसको मजबूर ना करे उसके खिलाफ इस माफी की कार्रवाई करने के लिए। पीएम मोदी के मन की बात में सर्जिकल स्ट्राइक के जिक्र से चीन किस कदर खौफ में आ गया है वो भी जान लीजिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गिदड़ भभकी वाले अंदाज में रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि भारत का सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाना और चीनी सेना के साथ किसी झड़प में गोली चलाने की इजाजत देना दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगा और भारत के लिए भी इसके परिणाम खतरनाक होंगे। ये बात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत ने चीन के साथ तनाव कम करने को लेकर सहमति जताई थी। आज चीन जानता है कि हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की नेवी और हिंदुस्तान की एयरफोर्स तीनों ही चीन से ज्यादा मजबूत हैं, जहाँ तक LAC का तल्लुक है, इंडियन ओशन रीजन का तल्लुक है, और चीन जो है इस माफी की गलती नहीं करेगा, और अगर करता है तो यकीनन चीन जो है मार खा जाएगा। LAC पर घुसपैठ की साजिश रचने वाला चीन पिछले 4 महीने में कई बार 1962 की लड़ाई की बात की, लेकिन हर बार हिंदुस्तान ने उसे समझा दिया कि वो 1962 वाली खुशफहमी में न रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को एक किस्म से एक मैसेज भेजा है कि 1960 को दोहराने की कोशिश न करे। 1962 और आज के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। इतना तो तय है कि चीन ने अगर आने वाली सर्दियों में LAC पर धोखे से हमले करने की साजिश रची भी होगी तो पीएम मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान के बाद उसे अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि चीन का चंपू पाकिस्तान उसे जरूर खुलकर बताया होगा कि मोदी की बोली गोली से कम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के जिक्र का मतलब समझ लेना कि तैयारी भी पुख्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये एक इशारा था और पीएम मोदी के इस सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान से आखिरकार चीन इतने खौफ में क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। तो पीएम मोदी ने चीन की गलतफहमी को दूर कर दिया है, वो गलतफहमी जिसमें वो सोचता है कि भारत अब उसकी दबंगई को बर्दाश्त कर लेगा। साथ ही मोदी विदेश नीति से चीन वैश्विक मंच पर अकेला पड़ गया है, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है उसकी हरकतों की वजह से। संयुक्त राष्ट्र में चीन की चालबाजी को मात मिल चुकी है, जाहिर सी बात है इससे भी उसे काफी करारा चोट पहुंचना तय है। कारोबारी रिश्तों पर लगाम कसकर झटका दिया है, जी हाँ, और एक के बाद एक ऐप को जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक ऐप्स पर किया गया है, जाहिर सी बात है कि ये है चीन के खौफ की वजह। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा, जी हिंदुस्तान के लाइव TV पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।